खबर हरियाणा में सोनीपत से लेते हैं, जहां रामलीला मंचन का आज 8वां दिन है और वृंदावन से पहुंचे यह कलाकार अपनी कला का बहुत ही सुंदर रूप से प्रदर्शन करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य रूप में आकर भी मेरे ठाकुर का नाम नहीं लेता, तीर्थ यात्रा नहीं करता, तो वो धर्मेण हीना पशुहीन समान हो, वह साक्षात पशु के समान मनुष्य है। आज मैं क्या देख रहा हूं? श्री राम की महिमा अपरंपार है, तो श्री रामलीला सभा के आयोजक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की रामलीला का मंचन पिछले 300 सालों से आज भी सोनीपत में ज्यों का त्यों हो रहा है। ठीक है, यदि मैं विवाह करके झंझट में फंसता तो फंसने देते, मैं नरक में जाता जाने देते, पर दयालु आप मेरे साप के कारण इतना कष्ट क्यों पा रहे हैं? दशहरा पर्व जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे रामलीला में भीड़ भी बढ़ती जा रही है, और खास तौर से यहां पर महिलाओं और बच्चों के लिए बड़े बड़े झूले भी जरूर लगाए गए हैं, और रामलीला के प्रति लोगों का आकर्षण भी दिन प्रतिदिन जरूर बढ़ता जा रहा है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।